हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारा कंप्यूटर का चैप्टर 3, एमएस वर्ड 2013 एडवांस टूल। ये आपके चैप्टर का नेम है, बट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आज कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको किसने डेवलप किया है? ये एक एप्लीकेशन होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट, शेयर प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज एप्लीकेशन फॉर्म्स, टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड्स, लेटर्स, पेपर्स, रिपोर्ट्स एंड बुकलेट बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं कि हम किसी चीज़ को क्रिएट, यानी कि एक फाइल होती है उसको बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, प्रिंट और प्रोफेशनल चीज़ें, जैसे कि आप शादी कार्ड देखते हैं वो किससे बनता है, वो भी एमएस वर्ड के थ्रू बनता है। आपके जो लेटर्स है, बिजनेस कार्ड्स है, टेम्पलेट्स, ये सब किससे बनते हैं? आपके एमएस वर्ड से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर रीड करेंगे बच्चों। चैप्टर में आप लोग कल क्या पढ़ेंगे? एमएस वर्ड 2013 एडवांस टूल। तो 13 में कौन से टूल्स हैं जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी किसी भी इमेज को या आप कार्ड को किसी को और भी अच्छा बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज सभी बच्चे क्या करेंगे, एमएस वर्ड 2013 जो चैप्टर 3 है आपकी कंप्यूटर की बुक का, उसे रीड कर लेंगे एक बार। और कहाँ तक रीड करना है आपको मैं ये भी बता देती हूँ, कम से कम 2 पेजेस आपके रहेंगे, वो आप रीड कीजिए। तो बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।